बेलीबाग थाना अंतर्गत एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके पास से लूट के 74,000, एक देसी तमंचा सहित लूट में शामिल मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति राजकुमार है, जो कि उरवा बाजार के गजपुर का रहने वाला है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त वीडियो के नाम से विभिन्न थानों में कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। घटना का खुलासा करते हुए एसपी साउथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी ने पूरे मामले को बताया। आज की पीसी एक बहुत महत्वपूर्ण पीसी है। इधर गोरखपुर में बहुत छोटी छोटी वारदातें लेकिन लूट की हो रही थी, और इस पर हमारे एसएसपी साहब ने, हमारे उच्च अधिकारियों ने स्वयं संज्ञान लिया। और एक ये गोरखपुर पुलिस की समवेत प्रयास है, इसमें क्राइम ब्रांच, इसमें थानों की पुलिस, इसे आप नॉर्थ साउथ और ईस्ट सेंटर में नहीं बांट सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये अकेला प्रयास था, ये पूरी टीम का, हमारे कमांडर एसएसपी साहब के द्वारा ये गठित टीम का समवेत प्रयास है, जिसमें तमाम लूटें हो रही थी। और उस लूट के मद्देनज़र हमारी टीम ने ये पाया कि कुछ लूटे ऐसे हैं जिसमें किसी कमज़ोर तबके के लोगों को, बूढ़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हमारी क्राइम की टीम ने, हमारे थानों की टीम ने ये प्रयास किया फुटेज के माध्यम से तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के माध्यम से, कि निश्चित रूप से कोई एक व्यक्ति विशेष या कोई टीम विशेष ऐसा कार्य कर रही है जिससे उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इस कार्य में हमारी टीम को सफलता मिली, कुछ लोगों को चिन्हित किया गया। कुछ लोगों में, जो मेरे पास पूरी लिस्ट है, कुछ लोगों में ये व्यक्ति भी मिला जिसने इस प्रकार की घटनाएं की हैं और इसने इन बातों को स्वीकार किया तथा हमारे पास उसके पर्याप्त साक्ष्य भी हैं। इसकी जो गिरफ्तारी हुई है एक स्थान विशेष पर हुई, जहाँ पर ये भागने का प्रयास कर रहा था, इस पर हमारी टीम काम कर रही थी। ये बघावीर बाबा का स्थान है, वहाँ पर हमारी टीम अन्य कार्यों के भी लगी थी और उनके लिए भी लगी थी। ये वहाँ पर जब पहुँचे हैं अपने साथी के साथ, जो कि अंधेरे का लाभ उठा करके फायर करता हुआ भाग गया है, इनकी गिरफ्तारी हुई है और उसके लिए भी हमारी टीम गठित है, प्रयास कर रहे हैं। इसके पास से तमंचा मिला है तथा विभिन्न प्रकार के लूटों में जो इसके द्वारा की गई है उसमें 74,000 रुपये मिले हैं, जो कनेक्टेड हैं और सर्टिफाइड साथ भी करता था और मजबूत लोगों के साथ। जब ये टीम के साथ रहता था तो ऐसा करता था, और जब इसकी टीम नहीं होती थी, एलोन होता था, तो आसान चारा बैंकों में जा करके बनाता। किन किन थाना क्षेत्रों में अभी तक लूट ये इसके बास गाँव में किया है, गगहा में किया है, सिकरीगंज में किया है, बेलीपार में किया है, पुरवा में किया है, इन स्थानों पर इनकी वो सर्टिफाइड है। बाकी ऐसा भी नहीं है कि कुछ और लूटे हैं जिसमें हम इसको अन्य सर्टिफाइड कर रहे हैं, और होने पर सही पाया जाएगा तो हम इस पर आगे भी कार्रवाई। सर, ये या तो खर्च करता था, पार्टियां देता था, और कुछ इसने सामान भी खरीद रखा है, कुछ पैसा इसने धीरे धीरे इकट्ठा भी कर रखा था, एक उसने अपना हिसाब बना रखा था, इतना बचत बचा के भी रखना है। कुछ ये खुद बता रहा है कि मैंने गाड़ी खरीद ली, उसकी किस्त में भी कर देता था, और अपने पत्नी पर खर्च करता था। तो अब ये कार्य भी हो रहा है कि इसने कहाँ कहाँ खर्च किया, कितना खर्च किया है, इस खर्च के हिसाब से भी इसका अनुमान लगा करके हम इसके समस्त संपत्तियों, परिसंपत्तियों का ब्यौरा एकत्रित करके उस विषय में भी कार्रवाई करें। कितने लोग हैं इसके गिरफ्तार में? अभी तक तो हम लोगों ने 3 लोगों को चिन्हित कर लिया है, इसमें एक तो चिन्हित पहले से ही है और एक व्यक्ति और चिन्हित है। इसके पूर्व में जो इसके साथ इसके फाइली हैं उन्हें भी हमारी क्राइम की टीम ने चिन्हित कर लिया है, हम उनकी भूमिका की भी जांच कर रहे हैं। लूट के अलावा और कोई आपराधिक इतिहास है इनका? हाँ, चोरी की घटना का भी है। ये चोरियां भी करता था, और सबसे बड़ी बात यह है, एक बड़ी लूट हुई थी जिसमें कनेक्ट हुआ था मोबाइल, वो लूट का मोबाइल भी बरामद हुआ है, उसका पैसा भी बरामद हुआ है, इसके पास से 3 मोबाइल बरामद हुए हैं, वो सारी चीज़ें कनेक्ट की गई हैं, और आगे भी हम उसको अधूरा अभी नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं अभी हम इसे पूरा करेंगे, हमारा कार्य भी इस पर चल रहा है।